हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी में। और आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा और हैकर्स ग्रुप के बारे में। दोस्तों, नुपुर शर्मा और उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद चल रहे विवाद के बारे में हम सबको पता ही है। इस कंट्रोवर्सी ने बहुत ज्यादा अटेंशन रिसीव की है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज के रिएक्शंस आए हैं। और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा। अब इन्हीं सब के बीच अहमदाबाद के साइबर क्राइम सेल ने क्लेम किया है कि कई डिफरेंट कंट्रीज के हैकर्स के ग्रुप्स ने इंडिया के अगेंस्ट एक साइबर वॉरफेयर लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया की कई गवर्नमेंट और प्राइवेट वेबसाइट्स एंड डेटाबेसेस पर अटैक किया है। अहमदाबाद साइबर सेल के ऑफिशियल्स ने अपने बयान में बताया कि इन हैकर्स ने नुपुर शर्मा के फोन नंबर और एड्रेस को कई सारी पब्लिक वेबसाइट्स पर पब्लिसाइज कर दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 8 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें अहमदाबाद साइबर सेल के DCP यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि किसी एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड और डिजिटल स्पेस को टारगेट करते हुए किए जाने वाले साइबर वॉरफेयर या कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद को लेकर कुछ डिरोगेटरी रिमार्क्स किए थे, जिसके लिए उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया और काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। उनका कहना है कि ये रिमार्क्स उनको प्रवोक किए जाने की वजह से बोले थे। ऐसे भी बहुत से लोग रहे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। नुपुर शर्मा के अकॉर्डिंग तो उन्हें पूरे वर्ल्ड से जान से मारे जाने की धमकियां भी मिली। इस इंसिडेंट के बाद मलेशिया ड्रैगन फोर्स और इंडोनेशिया के एक्टिविस्ट ऑफ गरुड़ा नाम के हैकर ग्रुप्स ने मुस्लिम हैकर्स को इंडिया के खिलाफ एक साइबर वॉरफेयर स्टार्ट करने के लिए इंस्टिगेट किया। और इन लोगों ने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बहुत सी वेबसाइट्स को हैक कर लिया। इस ग्रुप्स का क्लेम है कि इन्होंने 2000 से ज्यादा वेबसाइट्स हैक की है। और हालांकि इन क्लेम्ड फिगर्स को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, पर इंडिया में बहुत से हैकिंग इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी के अंडर टाइम्स 8 नाम के न्यूज चैनल के लाइव ब्रॉडकास्ट को हैक करके उसमें पाकिस्तानी फ्लैग को सुपर इम्पोज कर दिया गया और आंध्र प्रदेश पुलिस पर्सनल्स के ईद कार्ड्स और दूसरी पर्सनल डिटेल्स को पब्लिक कर दिया गया। इतना ही नहीं, इन हैकर्स ने नुपुर शर्मा के मोबाइल नंबर और एड्रेस को भी पब्लिसाइज किया। इसके साथ ही साथ इन हैकर्स ने डार्क वेब पर गवर्नमेंट के भी डेटाबेसेस से पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स को पब्लिसाइज कर दिया। वसावा ने ये भी बताया कि इन अटैक्स के रिटर्न में मलेशिया और इंडोनेशिया के गवर्नमेंट को उनकी वेबसाइट्स में बग्स ढूंढने में हेल्प की जाएगी। वैसे दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट इन हैकर्स को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय ऐसा क्यों कर रही है। आपको क्या लगता है? अपनी थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।